जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आशा करते हैं कि आप सभी बेहतर होंगे, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। ठीक है, मौज मस्ती थोड़ा सा कम करेंगे क्योंकि ये जो समय बचा हुआ है ये मौज मस्ती का टाइम नहीं है, ये समय है अपने जो आपका लाइफ है उसको बनाने का। ठीक है, इसलिए इस टाइम में मौज मस्ती ना करें, दिल से पढ़ाई करें। ठीक है, और ये 10 से 15 दिन ही आपको हम कहेंगे कि पढ़िए ठीक से ज़्यादा 20 दिन, उसके बाद नहीं कहने जाएंगे हम। ठीक है, और यही 10-15 दिन आपके लिए जो है काफ़ी स्ट्रगल वाली ज़िंदगी है, और जिन्होंने इसको स्ट्रगल से जिया है वो आगे चलकर बेहतर कर पाएंगे, और जो अभी ऐश करेंगे ना बाद में उनका गैस निकलेगा, गैस। ठीक है, तो फिर उस समय हमारी बात याद आएगा कि गुरु जी ठीक है कह रहे थे कि अभी पढ़ लो, बाद में बड़ी मुश्किल का समय आने वाला है। चलो शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन का हम लोग देख रहे थे 2009 से लेकर 21 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे उसको सॉल्यूशन, जिसका कि इससे पहले 2 वीडियो डल चुका है, और यदि नहीं देखें अभी तक तो सब वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जाइए जाकर देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी है और बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग वही देखने जा रहे हैं, और इसमें लगभग 50 क्वेश्चन को कवर करने वाले हम लोग। ठीक है, बचे हुए 50 क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि कवर कर ले, चूंकि वीडियो थोड़ा सा ठीक है बड़ा हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। हाँ, तो आपको करना क्या है कि एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यह हमारा चैनल नहीं है, यह आप लोग का परिवार है। ठीक है, तो आप अपने इस परिवार में अपनी उपस्थिति दर्ज कर दें, यानी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए ताकि पता चल जाए कि आपका आप भी इस परिवार में जुड़ चुके हैं, उपस्थित हो गए हैं। ठीक है, और बहुत ही मज़ा आने वाला है, अलग टाइप से आपको सीखने को मिलेगा। और इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक हमारे न्यू चैनल का लिंक भी डाला गया है, मन करे तो अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर भी बहुत अलग सी चीज़ें हम लेकर आने वाले, बहुत जल्द ही उसका प्लानिंग चल रहा है। ठीक है, जो ट्विस्ट है बताएंगे बाद में। चल बाबू, सवाल सबसे पहला आपके सामने में है, कहता है कि इंटीग्रेशन करना है किसका, तो कॉस एक्स डिग्री का। सुनो, इंटीग्रेशन डिग्री डगरा में नहीं चलता है, इंटीग्रेशन चाहिए रेडियन में। किसमें? रेडियन में। तो यहां पर जो लिख दिया है डिग्री या डगरा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको इंटीग्रेशन चाहिए तो रेडियन में, कॉस एक्स डिग्री का इंटीग्रेशन नहीं। तो सबसे पहले डिग्री को किसमें बदलेंगे बाबू? रेडियन में। रेडियन में बदलने के लिए हमको करना होगा पाई बटा 180 से गुना, ये हो जाएगा आपका कॉस पाई बटा में 180 इंटू एक्स इंटू डीएक्स, हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन, तो कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन, नहीं कोणांक में जो है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, और इसके बाद एक्स के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में उतार देंगे, तो पाई बटा 180 बटा में आ जाएगा, प्लस सी भी लिख देंगे। सुनिए, ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 180 बटा में पाई इंटू साइन, पाई बटा 180 को हटाकर आप चाहे तो डिग्री लिख सकते हैं, नहीं पाई बटा 180 को हटाकर आप चाहे तो डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो यहां पर हो जाएगा इसका एक्स डिग्री। ठीक है, देख लीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना, तो 180 बटा में पाई साइन एक्स डिग्री, 180 बटा में पाई साइन एक्स डिग्री, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है, सवाल कहता है कि सीमा का मान है 0 से पाई बाई 2 और इंटीग्रेशन करना है आपको लॉग टेन एक्स का। सीमा का मान है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 और इंटीग्रेशन करना है आपको लॉग टेन एक्स का, लॉग टेन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। ऐसे ये क्वेश्चन हम इससे पहले भी एक दो बार बता दिए हैं। ठीक है, यहां पर लॉग टेन एक्स हो और सीमा का मान 0 से पाई बाई 2 हो, या यहां पर लॉग कॉट एक्स हो और सीमा का मान 0 से पाई बाई 2 हो, दोनों में से कुछ भी रहेगा, या तो लॉग टेन एक्स हो या फिर लॉग कॉट एक्स हो, दोनों में से कुछ भी रहे तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत? दूसरा, यदि सीमा का मान 0 से पाई बाई 2 हो और आपका आ जाए लॉग साइन एक्स डी एक्स, या लॉग कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, डी एक्स, दोनों में से कुछ भी आ जाए
तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस पाई बाई टू लॉग टू, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस पाई बाई टू लॉग टू, आपको याद रख लेना है, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है। सीमा का मान जीरो से पाई बाई टू हो, लॉग टेन एक्स डी एक्स हो या लॉग कॉटेक्स डी एक्स हो, लॉग कॉटेक्स डी एक्स हो, ठीक है, दोनों का इंटीग्रेशन जीरो के बराबर होगा। सीमा का मान जीरो से पाई बाई टू हो, लॉग साइन एक्स डी एक्स हो या फिर लॉग कॉस एक्स डी एक्स हो, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू लॉग टू के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने में है, सीमा का माइनस मान है माइनस एक से एक मोड ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं और इसका कॉन्सेप्ट भी बता दिए हैं, माइनस एक से एक है सीमा का मान, ठीक है, और यहां है आपका मोड ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, मोड ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इसका सीधा सीधा बताए हैं कि जो सीमा का मान रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, जो सीमा का मान रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो आंसर बन जाएगा, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा एक का स्क्वायर यानी एक के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको भली भांति दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे, अगला सवाल आपके सामने में है, एक बार क्वेश्चन देखिए, बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग। सवाल आपका है ई के पावर में टू लॉग सेक एक्स, नहीं, सवाल आपका है ई के पावर में टू लॉग सेक एक्स, कोई बात नहीं है, हाँ, टेक्निक मालूम होना चाहिए आपको, ई के पावर में है टू लॉग सेक एक्स इंटू में डी एक्स है बाबू, ओह गौर करेगा, बताए थे ए सुनो कि जब e के पावर में लॉग रहेगा रे भाई, जब e के पावर में लॉग रहेगा और लॉग के आगू में कांस्टेंट रहेगा तो ये कांस्टेंट कोणांक के पावर में चल जाएगा, कांस्टेंट जो होगा कोणांक के पावर में चल जाएगा, बाकी सब खत्म, नहीं, तो इसका हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, tan x, ठीक है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, हाँ। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है आपसे, ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देखिएगा, कोशिश कर लीजिए क्वेश्चन को बनाने का, शायद आपसे बन जाए, मजा आ जाएगा, नहीं, जल्दी से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सवाल आपका है ई के पावर में टू एक्स माइनस वन, ई के पावर में टू एक्स माइनस वन बटा में ई के पावर में टू एक्स प्लस वन इंटू क्या हो जाएगा बाबू, डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स। अब ध्यान से देखिएगा, हम क्या करते हैं कि ई के पावर एक्स से यहां भी भाग कर देते हैं, यहां भी भाग कर देते हैं, ऊपर में भाग किए हैं तो नीचे हूं में भाग करना पड़ेगा, कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिएगा दो गो ऊपर में है एगो नीचे में है तो कट जाएगा तो एगो बचेगा और माइनस, एक गो है ऊपर में जाकर पावर माइनस में हो जाएगा, नहीं, यहां दो गो ऊपर में है एगो नीचे में है, कट जाएगा तो एगो हो जाएगा और प्लस, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, डीएक्स। सुनिए अब क्या होगा कि जब आप नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, चेक करके देखिए ना, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करने से ऊपर वाला आ जाएगा, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स और ई के पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ई के पावर माइनस एक्स, जो आपको ऊपर में दिख रहा है। और आपको बताए हैं कि जब नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में हो जाए ना, सुनिए, जब नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में हो जाए तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा लॉग, और नीचा वाला ज्यों का त्यों, नीचा वाला ज्यों का त्यों, अब प्लस में सी लिख दीजिए, हो गया आंसर, लॉग नीचा वाला ज्यों का त्यों प्लस में सी लिख दीजिएगा तो आंसर बन जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉग ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल आपके बोर्ड एग्जाम 2016 में आपसे पूछा गया सवाल है, जो आपके सामने दिख रहा है, एक बार जल्दी से बना लीजिए क्वेश्चन को, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, एक बार जल्दी से बना लीजिए क्वेश्चन को, देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बनाइए सभी लोग, 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार हम क्वेश्चन को ऊपर लिखना चाहेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आपका है
सीमा का मान कह रहा है कि 0 से π/2 है और ऊपर में कह रहा है कितना कि यहाँ है आपका साइन एक्स और प्लस में है कॉस एक्स और नीचे में क्या है साइन एक्स सॉरी नीचे में क्या है तो नीचे में है आपका 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स यहां क्या हो जाएगा डीएक्स ठीक है। हाँ जल्दी से देख लीजिएगा सवाल आपका है इसका कहता है कि मान क्या होगा इसका मान पूछ रहा है आपसे यानी इसका वैल्यू पूछ रहा है। सुनो आपको बताया गया है कि जब सीमा यहां 0 से π/2 रहे ना तो आप क्या कर सकते हैं कि π/2 को सबके कोणांक में से घटा घटा के लिख सकते हैं नहीं तो क्या हो जाएगा 0 से π/2 इसको समीकरण एक मान लीजिए ठीक है 0 से π/2 और जब यहां हो जाएगा sin π/2 - x ना sin π/2 - x और प्लस cos π/2 - x नीचे में क्या आ जाएगा 1 प्लस sin आराम से देखिएगा π/2 - x इंटू cos π/2 - x इंटू में क्या हो जाएगा बाबू dx सीमा का मान 0 से π/2 sin 90° - θ यानी cos θ और प्लस cos 90° - θ यानी sin θ साइन एक्स और बट्टा में 1 प्लस sin 90° - θ यानी cos θ इंटू cos 90° - θ यानी क्या sin θ यह हो जाएगा समीकरण दो दोनों को जोड़ देंगे नहीं तो जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो इधर भी आई है इधर भी आई है जोड़ने पर क्या आ जाएगा 2i अब बराबर सुनिए इसका लॉसर ले लीजिए तो 1 प्लस sin x इंटू cos x 1 प्लस sin x इंटू cos x जोड़ने के लिए लॉसर ले लेते हैं तो 1 प्लस sin x इंटू cos x ठीक है। जब 1 प्लस sin x इंटू cos x को इतना से भाग देंगे तो भागफल 1 और 1 को ऊपर वाला से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा sin x + cos x हाँ अब बीच में प्लस का चिन्ह होगा अब फिर वही बात यहां ध्यान से देखिएगा जब इतना को जो है क्या है यहां पर यहां है 1 प्लस sin x इंटू cos x भाग देंगे तो कितना हो जाएगा भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 1 प्लस sin x इंटू cos x नहीं हाँ इसका भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 1 प्लस sin x इंटू cos x तो यहां लिख देंगे 1 प्लस sin x इंटू cos x नहीं देख लीजिएगा एक बार थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहां पर ये फॉर्मूला में यहां माइनस लिखा हुआ है यहां भी माइनस हो जाएगा नहीं और यहां भी क्या हो जाएगा आपका माइनस से हो जाएगा नहीं तो यहां भी माइनस हो जाएगा अब बीच में प्लस लिखेंगे तो यहां हो जाएगा आपका कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा डीएक्स सुनिए यहां देखिए sin x से sin x कट जाएगा cos x से cos x कट जाएगा तो ऊपर में बच गया 0 और नीचे में कुछ बचेगा ऊपर में 0 है नीचे में कुछ है 0 हो जाएगा 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा 0 के बराबर क्योंकि यहां सीमा का मान भी रखना है ना तो 0 का इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट के बराबर होगा कॉन्स्टेंट की जगह पर कुछ मान रख नहीं सकते हैं इसलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 के बराबर जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे जो आपके 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। देखिए सवाल नहीं है ये फॉर्मूला ही है कुल मिलाकर कहा जाए तो और आपको जब निश्चित समाकलन का गुणधर्म बता रहे थे तो उसमें ये सारी चीजें बता दिए थे ठीक है तो यदि आपको याद होगा तो आप तुरंत इसका आंसर बना सकते हैं फटाफट एकदम ठीक है और अभी भी इस बात की चर्चा किए हैं अभी अभी जस्ट चर्चा किए इस क्वेश्चन में तो आप यदि गौर से देखे होंगे इसको तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए सीमा का मान है आपका 0 से a f(x) dx ठीक है और आपको क्या बोले कि दोनों को जोड़कर यहां से वेरिएबल घटा देना है नहीं या फिर इसमें से वेरिएबल घटा देना है जीरो जोड़ेंगे तो बात उतना ही पड़ेगा इसलिए सीधे इसमें से वेरिएबल को घटा देना है तो इसका हो जाएगा 0 से a f(a - x) इंटू में क्या हो जाएगा dx यानी इसका हो जाएगा 0 से a f(a - x) इंटू में क्या dx जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल 2014 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है यहां ध्यान से देखिएगा इंटीग्रेशन a से c f(x) dx ये भी फॉर्मूला ही है प्लस c से b f(x) dx यही ना होगा c से b f(x) dx का मान क्या होगा सुनिए सीमा का मान a से c है और फिर c से b है तो यहां देखिए e से e कट जाएगा
ठीक है, तो बचेगा कथी ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, यह हो जाएगा आपका ए से बी एफ एक्स डी एक्स, जो कि आपके ऑप्शन नंबर हाँ ए से बी एफ एक्स डी एक्स जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है। अगला जो सवाल है वो आपके 2018 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा है और 2021 के बोर्ड एग्जाम में भी आपसे पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है आपको दिख रहा है, आप एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, कोई बहुत बड़ी सवाल नहीं है, ठीक ना, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन आपका है कि कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, नहीं पूछ रहा है कि कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉट स्क्वायर टी है कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, देखिए स्क्वायर वाला में दुइये को का होता है, ठीक है, सेक स्क्वायर का और कॉसेक स्क्वायर का, इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, माइनस एक का क्या हो जाएगा एक्स प्लस में सी, ठीक है, तो माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है बाबू। चलिए अगले सवाल को देखेंगे, अगला सवाल 2018 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया सवाल है, सवाल देखिएगा ऊपर में आपको दिख रहा होगा, एक बार जल्दी से बनाने का प्रयास कर लीजिएगा, अभी कोई इधर उधर की बातें नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, हाँ सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन बनाना है, चूंकि आज क्वेश्चन की संख्या थोड़ा सा ज्यादा है तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, सिर्फ कोई भी इधर उधर की बातें नहीं होगी। सवाल आपका है ई के पावर एक्स बट्टा में एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स एक्स इंटू लॉग एक्स एक्स इंटू लॉग एक्स, सुनिए इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटू में डी एक्स लिखल है, आपको क्या बोले हैं ई के पावर एक्स अकेला बाहर होना चाहिए, चलिए ई अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा एक बट्टा एक्स प्लस, जब ई एक्स इसके बटा में जाएगा तो एक्स से एक्स कट जाएगा तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स इंटू में क्या हो जाएगा डी एक्स। सुनिए आपको क्या बोले हैं कि e के पावर x सबके साथ बाहर में रहेगा, अंदर में दो फंक्शन ऐसा रहेगा, ठीक है, e के पावर x सबके साथ बाहर में रहेगा, अंदर में दो फंक्शन ऐसा रहेगा जिसमें या तो पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा हो या दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में इसका इंटीग्रेशन होगा। देखिए जैसे एफ एक्स का यदि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा वन बटा एक्स के बराबर, नहीं यानी यह है फंक्शन और ये है फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर x इंटू लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है, e के पावर x इंटू लॉग एक्स प्लस सी जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। और अगला जो सवाल आपसे पूछा गया है 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, सवाल आपको दिख रहा है और अभी जस्ट बनाए भी है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बता दीजिए, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है बाबू। आइए अगले सवाल को देखेंगे जो 2019 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया सवाल है, सवाल आपको ऊपर दिख रहा होगा, टोटल मिक्स करके आ रहा है, मतलब सीरीज से नहीं है और मिक्स करके इसलिए ला रहे हैं ताकि आप उस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ पाए, ठीक ना, हाँ देखिएगा क्या पूछा गया है कि सीमा का मान है ए से बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा क्वेश्चन हमको लगता है कि दो तीन बार हो गया है, ठीक ना, हाँ इसी सेट में दो बार कम से कम आ गया होगा, पावर में एक जोड़ कर उतने से भाग, x के पावर तीन बटा में तीन, पहले b रखना है फिर माइनस दे के a रखना है, b के पावर तीन माइनस a के पावर तीन बटा में तीन, देख लीजिएगा आंसर, b के पावर तीन माइनस a के पावर तीन बटा में तीन जो कि आपके ऑप्शन नंबर a में आपको दिख रहा है। अगला सवाल यह भी 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, dx बटा में आपका कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 16 है, ये भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, शायद 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया यह क्वेश्चन था, रिपीट कर रहा है सवाल, कोई बात नहीं है, x स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर यानी हो गया dx बटा में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 बाई ए, तो ए के जगह पर 4 और टेन इनवर्स x बाई ए, तो ए के जगह पर 4 प्लस क्या हो जाएगा सी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एक बट्टा में चार टेन इनवर्स एक्स बट्टा में चार और प्लस क्या हो जाएगा सी। चलिए अगले सवाल को देखेंगे, अगला क्वेश्चन ये भी आपके 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है,
क्वेश्चन आपका कहता है कि dx बटा x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, dx बटा में x का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए यहां पर dx बटा में x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सीमा का मान है 1 से 2 ना, तो dx बटा x यानी 1 बटा x का इंटीग्रेशन तो होता है log x नहीं, और उसके बाद उसमें 2 रखना है पहले, उसके बाद कितना रखना है 1 रखना है, तो हो जाएगा आपका log 2 माइनस log 1 नहीं, log को बाहर करेंगे तो 2 बटा 1 हो जाएगा ना, यानी हो जाएगा log 2 बटा 1 यानी कितना 2 बटा में 1 का तो लिखेंगे तो ज्यों का त्यों रह जाएगा ना। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अभी हम लोग। देखिएगा सवाल आपका है, सीमा का मान आपका है 0 से 1 dx बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाता है आपका tan इनवर्स x, x के जगह पर आपको क्या रखना है पहले 1 रखना है फिर 0 रखना है, ये भी क्वेश्चन हो चुका है, तो tan इनवर्स 1 यानी tan में 1 कितना का मान, पाई बाई 4 का मान, 0 इसलिए नहीं रखे क्योंकि 0 रखने पर 0 के बराबर हो जाएगा नहीं, हाँ 0 रखने पर कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। अगला सवाल 2019 में भी पूछा है और 2021 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, देखिए यहां से शुरू हो रहा है 2021 का जो बोर्ड एग्जाम है वो क्वेश्चन आपका जो है अब शुरू होगा जो 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा सरसरी निगाह से देखने का प्रयास करेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया था कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, और इस साल भी मतलब जब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है ठीक ना, तो क्वेश्चन की जो क्वालिटी होता है वो अपने आप लो हो जाता है, मतलब क्वेश्चन पूछने का जो जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा वो अपने आप लो हो जाएगा, मतलब लो लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। खैर चलिए किसी लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछे बनाना तो आपको है और आप उसका जवाब आसानी से दे पाइएगा, ऐसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है हमें कि आप उसका जवाब आसानी से दे पाइएगा। कहता है कि 0 से π/2 cos x का इंटीग्रेशन क्या है, सुनिए cos का इंटीग्रेशन तो साइन होता है बाबू, और 0 से π/2 माने पहले π/2 रखिए, और माइनस साइन 0 का मान तो 0 हो जाता है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा 1 के बराबर, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है नहीं। अगला सवाल 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, कहता है e^x का इंटीग्रेशन क्या होगा जबकि सीमा का मान 0 से 1 तक है, तो e^x का इंटीग्रेशन e^x से होता है नहीं, और सीमा का मान है 0 से 1 तक तो पहले 1 रखेंगे और माइनस फिर 0 रखेंगे, तो e^1 मतलब e, और किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान कितना 1, इसका आंसर हो जाएगा आपका e-1 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है आपका 2017 और 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपका है, कहता है tan स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, tan स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, अच्छा tan स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन नहीं होता है तो tan को क्या बदलेंगे, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं, सीमा का मान है 0 से कितना 0 से π/4 0 से π/4 sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan, तो हो जाएगा tan थीटा और माइनस 1 का क्या हो जाएगा थीटा, अब देखिए 0 नहीं रखना है क्योंकि tan 0 0 हो जाता है, पाई बाई 4 रखिए, ये हो जाएगा 1 और माइनस पाई बाई 4 ठीक है, 1 माइनस पाई बाई 4 जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा ठीक है बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2017 में आपसे पूछा गया है, सीमा का मान है आपका 2 से 4 और dx बटा में x, हाँ इसका इंटीग्रेशन होगा log x के बराबर, लेकिन x के जगह पर पहले 4 रखना है माइनस देके 2 रखना है, लिख दीजिए डायरेक्ट log 4 माइनस log 2 नहीं, और जब यहां से log ओहो log को बाहर करेंगे तो 4 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, कट गया कई बार 2 बार, यानी इसका आंसर हो जाएगा log 2 के बराबर, कितना हो जाएगा log 2 के बराबर नहीं, इसका आंसर हो जाएगा log 2 के बराबर। अगला सवाल आपके बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया सवाल है, सवाल आपके सामने ऊपर में दिख रहा है, एक बार जल्दी से सवाल को देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है यानी मजेदार सवाल है ठीक है। देखिए सवाल यहां आपको दिखेगा एक बार, पहले एक बार खुद से बनाने का प्रयास कर लीजिएगा सभी लोग, इसके बाद जो हम बनाएंगे उससे मिला लीजिएगा और आपका आसानी से टोटल क्वेश्चन बन जाएगा नहीं। हाँ देखिए क्या कह रहा है सवाल, सवाल आपका है dx बटा में x प्लस रूट x, समझिए ठीक से dx बटा में x प्लस रूट x
यहां देखिएगा dx बटा में यहां से रूट एक्स को कॉमन ले लेंगे, नहीं ये दूगो रूट एक्स का एगो एक्स है ना, तो यहां हो जाएगा आपका रूट एक्स प्लस वन, ठीक है। अब इसको यदि आप मानते हैं ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक बट्टा में दो रूट एक्स, नहीं वन बाई टू रूट एक्स, तो हमको रूट एक्स को काटना है, तो इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसे ही कट गया, नहीं कट गया, हाँ तो दो बच गया, दो को बाहर कर दीजिए। अब इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना, ये पूरा का पूरा कट गया ना, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका लॉग बट्टा वाला जो कहते हैं, यानी रूट एक्स प्लस वन, प्लस क्या हो जाएगा सी, यानी टू इंटू लॉग रूट एक्स प्लस वन, प्लस क्या हो जाएगा सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला जो सवाल है, ये टोटल क्वेश्चन शायद हम लोग कर चुके हैं ठीक ना, 2018 के सेट में जो पूछा गया क्वेश्चन, ये लगभग क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। हाँ 2021 में जो पूछा गया क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को अब देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पर कह रहा है कि जीरो से एक एक्स, सीमा का मान आपका है जीरो से एक, और यहां एक्स डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू ना, मान रखेंगे तो कितना होगा एक के स्क्वायर, एक के स्क्वायर बटा में दो, जीरो रखने पर तो जीरो हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा वन बाई टू के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। सवाल कहता है कि dx बटा में x माइनस वन, ठीक है इसका तो सीधे हो जाएगा log x, x के जगह पर कितना है x माइनस वन प्लस सी, ठीक है एक बटा x का इंटीग्रेशन तो log x ही होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा log x के बराबर। अगला सवाल है x के पावर 4 माइनस वन बटा में x स्क्वायर प्लस वन, देखिएगा x के पावर 4 माइनस वन और बटा में है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर और माइनस वन के होल स्क्वायर और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ए माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा में क्या हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन से ये कट जाएगा, नहीं तो बचेगा कितना एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के पावर तीन बटा में तीन माइनस एक का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स के बराबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के बराबर ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है आपसे, ऊपर में है sec x और नीचे में है sec x plus tan x, ठीक है ऊपर में है आपका sec x और नीचे में है आपका sec x plus tan x। अब इस सवाल को कैसे बनाना है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तब तक इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग, थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे, 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है ठीक है, समय हमारे पास उतना ही है, मात्र 30 से 35 मिनट में पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, थोड़ा सा वक्त तो लगता है ना, कोई कोई क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन में नहीं, कोई कोई क्वेश्चन में, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको बहुत सारा पढ़ा दिया गया है, तो बहुत सारे क्वेश्चन को तो आप देखकर ही बना सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही ना। सवाल आपका है sec x और बटा में sec x प्लस tan x इंटू क्या हो जाएगा dx, ठीक है सवाल आपका है sec x और बटा में है sec x प्लस tan x, इसका आंसर आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको एकदम आसानी से सवाल समझ में आ जाएगा। देखिए करना क्या है आपको, चलिए देखिए sec को क्या लिख सकते हैं वन बटा में cos x, sec को क्या लिख सकते हैं वन बटा में cos x प्लस tan को क्या लिख सकते हैं तो sin x बटा में cos x, ठीक है इंटू क्या हो जाएगा dx, थोड़ा सा बना देते हैं इसको वन बटा में cos x और यहां हो जाएगा आपका कितना, यहां हो जाएगा आपका cos x, सॉरी लॉसेस का हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स, नहीं ये कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा तो बचेगा कितना वन बटा में वन प्लस साइन एक्स, यानी इसका हो जाएगा वन बटा में वन प्लस साइन एक्स, वन बटा में वन प्लस साइन एक्स, बस इसी का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना कर देंगे, अब बटा में हो जाएगा वन माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ऊपर में हो जाएगा वन माइनस साइन एक्स और नीचे में हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी वन माइनस साइन स्क्वायर,
वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा dx, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, अलग अलग कर दीजिएगा, 1 बटा में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स है तो क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू में फिर कॉस एक्स डी एक्स, 1 बटा कॉस बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन बटे कॉस यानी टेन एक्स इंटू 1 बटे कॉस यानी सेक एक्स। ऐसा क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी हम लोग देखे हैं अभी, सेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका टेन एक्स माइनस सेक इंटू टेन का होता है सेक एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा सी, चेक कर लीजिएगा एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है इसका आंसर, ठीक है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर। चलिए अगला सवाल है, 1 प्लस कॉस टू एक्स बटा में वन माइनस कॉस टू एक्स बटा में 1 प्लस कॉस टू एक्स, देखिएगा 1 माइनस कॉस टू एक्स बटा में 1 प्लस कॉस टू एक्स, सुनिएगा यदि 1 माइनस कॉस टू एक्स है तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा में हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स, इसे कट जाएगा साइन बटे कॉस यानी टेन, ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है इसको चेंज करना पड़ेगा किस में, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स, सेक का होता है टेन एक्स माइनस एक का हो जाएगा एक्स प्लस सी, यानी इसका आंसर हो जाएगा टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है अगला सवाल जो आपके सामने दिख रहा है एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग, तब तक इसको मिटा लेते हैं। ठीक है क्वेश्चन देखिए एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है एक बार क्वेश्चन को देखिए और बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग फटाफट से। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है सीमा का मान है 0 से 3 एक्स डी एक्स, ठीक है इसका तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, 0 तो रखना नहीं है 3 रखना है, तो 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 बटा में 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा 9 बटा में 2 जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल एक्स स्क्वायर प्लस 1, सीमा का मान रखना है 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स, इसका हो जाएगा एक्स के पावर 3 बटा में 3 अब प्लस एक्स, आपको 0 नहीं रखना है केवल 2 रखना है, तो 2 के पावर 3 यानी 8 बटा में 3 अब प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 यानी 3 गुना 6 8 14 बटा में कितना हो जाएगा 3, ठीक है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर। अगला सवाल आपका है 0 से 1 वन बटा में देखिएगा इसका आंसर यह है आपका 0 से 1 और डी एक्स बटा में एक्स प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 क्योंकि 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है। चलिए अब आपको रखना है कितना 1, 0 तो नहीं रखना है, हाँ 0 भी रखना है क्योंकि मान निकलेगा, ये हो जाएगा 1 रखेंगे तो लॉग 2 माइनस 0 रखेंगे तो लॉग 1, लॉग को बाहर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 बटा 1 यानी कि लॉग 2 के बराबर, ठीक है इसका आंसर हो जाएगा लॉग 2 के बराबर। अगला है 0 से π/2 लॉग कॉट थीटा, आपको बताया है कि लॉग टेन हो या लॉग कॉट हो सीमा का मान 0 से π/2 होगा, इंटीग्रेशन 0 के बराबर होगा जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है हाँ ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल आपका है 1 से 3 dx, 1 से 3 dx देख लीजिएगा 1 से 3 dx थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर 1 से 3 dx सवाल आपका है और सिंपल है 1 से 3 dx, अरे इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा आए सीमा का मान पहले 3 रखेंगे फिर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 3 - 1 यानी कितना 2, इसका आंसर हो जाएगा 2 के बराबर जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल आपका है कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको थोड़ा सा आपको ये करना है कि यहाँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है ना तो इसको लिख दीजिए 2 sin x into cos x, नहीं आज जब 2 से गुना किए हैं तो 2 से भाग भी कर दीजिएगा के इंटू क्या कर दीजिए डी एक्स, सीमा का मान भी है कुछ क्या नहीं है सुन लीजिएगा, तो 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा 2 sin x into cos x बराबर क्या हो जाएगा तो sin 2x, साइन 2x का इंटीग्रेशन ठीक है 1/2 को बाहर रहने दीजिएगा साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 2x बटा में 2 उलट के इसी के बटा में हो जाएगा यानी माइनस 1/4 cos 2x ठीक है अब प्लस क्या हो जाएगा सी
माइनस वन बाई फोर कॉस टू एक्स बटा में क्या हो जाएगा सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर क्या लिखा हुआ भाई, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिखा ले, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है ना, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, सही तो बनाया हुआ है। अच्छा हाँ, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ओहो इसके बाद इसका फॉर्मूला लगा दिए शायद, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस सी, ठीक है एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद कहता है कि लॉग टू इंटू डी एक्स, लॉग टू को बाहर करेंगे, ठीक है लॉग टू कॉन्स्टेंट है बाहर करेंगे तो सीधे dx, और dx का इंटीग्रेशन x होगा यानी log 2x, log 2x जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल आपका है x प्लस टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई टू, और प्लस टू का इंटीग्रेशन क्या होगा 2x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। और ये जो सवाल आपका है ये तो हिट सवाल है, जीरो से पाई बाई टू कॉस थीटा, फिर नीचे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है देख लीजिएगा सवाल का सेटिंग है, और ये सवाल का सेटिंग आपको पता चल गया है क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग लगभग तीन चार बार देख चुके हैं, ठीक है इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई फोर के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से 2009 से लेकर 21 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, वो सारे क्वेश्चन आपका खत्म हो चुके हैं, ठीक है कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचा, एक एक करके हमने सभी क्वेश्चन को देखा जो 2009 से लेकर 2021 तक के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे गए क्वेश्चन थे, ठीक है दोस्तों। और अब जो अगला वीडियो आने वाला है आपका, वो अगला वीडियो आपका आएगा वेक्टर का, ठीक है तो हम लोग एक बार वेक्टर को देखेंगे, सॉरी अब वेक्टर से पहले आप लोग का जो वीडियो आने वाला है वो आएगा अवकल समीकरण का यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो अगला वीडियो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का आने वाला है, हम लोग उसके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को भी देखेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को भी देखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।